शिवपुरी में आज पुलिस अधीक्षक से महिला ने शिकायत करते हुए बताया कि उसके पति से उसकी शादी 5 साल पहले हुई थी और लगातार उसके ससुराल जनों द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी और दहेज देने से मना किया तो उसे घर से निकाल दिया गया। उसके बाद पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली है। इसकी शिकायत SSP से की गई है। क्या नाम है तुम्हारा? चांदनी। कहाँ से आए हो? हम आए ठेर से। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है छतनवाड़े के पास। छतनवाड़े के पास क्या समस्या लेके आए हो? हमारी समस्या है कि जब हमारी शादी हुई थी, हमारे माँ बाप ने उन्हें उनकी हर बात उन्होंने पूरी की थी, उनका खेत गिरवी रख के उन्हें 2-3 लाख का दहेज दिया। फिर उसके बाद में जब हमारी प्रेग्नेंट हो गई, मैं हमारे हो गए अभी प्रेग्नेंट हुई ना, जब उन्होंने मेरे पति मुझको मारने ठोकने लगी, मेरी नंद मुझ पर तंगा तोस करने लगी और उसकी नानी है वो भी हम पर मारने ठोकने लगी, हमें बोलने लगी अपने बाप की साकी जमीन है उससे बिचवा कर पैसे लेके आ। हमने मना किया तो हमें मारपीट के प्रेग्नेंट हालत में भगा दिया हमें। कब से मारपीट कर रहे हैं वो तुम्हारी? उन्होंने 5 महीने हो गए हमें। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी के हो गए 5-6 साल। 5-6 साल हो गए तो वो परेशान क्यों कर रहे हैं आपको? अब वो उनसे ये बोल रहा है कि अपने हिस्से की जमीन लेकर और बेच दूं मैं और पैसे उनको दूं। अभी आप बता रहे थे कि उसने एक और शादी कर ली है। उन्होंने मैंने मना कर दिया तो उन्होंने हमें मार पीट के भगा के उसकी नानी ने और उसकी बहन ने उसको दूसरी औरत करा दी है। अच्छा, उसी का ही हम तो न्याय मांग रहे हैं कि कौन सा न्याय है। शादी ऐसा करना था उसे तो मैं शादी नहीं करता, वो जब ही कर लेता। तो उसने उसने दूसरी लड़की से शादी कब करी? दूसरी लड़की से शादी कब करी उसने? 4 महीना हो गया अभी, हो गए 3 दिन, 3-4 महीना हो गए उन्हें शादी करी हुई। तुम्हारा एक बच्चा भी है? हमारे यहाँ एक लड़की हुई है, वो हमें धमका रहा है अब कि हमें लड़की को ही मार देंगे तो तुम क्या सबूत लेके जाओगे आगे। तो आप थाने गए थे? गए थे सुहासपुरा थाने में, हम परसों गए थे। हमने उन्हें हमारे पति से पूछा तुम्हें सब क्या करना था, हमारे बाप ने तुम्हारी हर विश तो की थी पूरी, तुमने जो मांगा था वो दिया, फिर में कि बाद में तुमने ये क्या किया? तो वो बोल रहा उसने मैं मारा ठोकी थी उसने मुझे, मेरी नंद ने उसकी नानी ने उन्होंने मिलकर मुझे मारा। तो मैं थाने में गई, थाने वालों ने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं ली, उन्होंने उल्टा हमें मारा। हमने बोला मैं कि यहाँ पे जब हमारी गर्भवती थी तो मैं पहले भी थाने में उसकी रिपोर्ट लेके आई थी, हमें मारा था, घर से निकाला था मार ठोक के, जब भी हमें बाहर से बाहर ही भगा दिया था, हमारी रिपोर्ट नहीं ली थी। क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिले, मेरी बच्ची को न्याय मिले और जेल में जाए।